Good morning, students. Today we are studying about the operations on sets. So the first operation is union of two sets. Union of two sets as let A and B are the two sets, then A you find as it is a set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. जब यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, फर्स्ट सेट इज ए एंड सेकेंड सेट इज बी, देन यूनियन में हमारे पास बेटा वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में है या बी में है. मतलब अगर किसी भी एक सेट में है, ए में या बी में, इन दोनों में से अगर किसी भी सेट में एलिमेंट है, देन दैट एलिमेंट विल कम इन यूनियन ऑफ टू सेट्स. फॉर एग्जाम्पल, let A is the set which is equals to 1, 2, 4, 5 and B is the set 4, 5, 7. हमें A union B निकालना है. तो A union B निकालने के लिए first मैंने A set के element लिखे 1, 2, 4, 5. Then I go to the next set B. फिर हम next set B पे गए. Now because set में elements repeat नहीं हो सकते, तो आप 4 और 5 को दोबारा नहीं लिखोगे बेटा. 1, 2, 4, 5 लिखा हमने, then 4 and 5 are repeated, so A union B is 1, 2, 4, 5, 7. See, A union B के पास जो elements हैं, वो ऐसे elements हैं जो या तो A में है या B में है. किसी भी एक में अगर element है, तो वो A union B में आएगा. Next is the properties of union of two sets. फर्स्ट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि चाहे आप ए का यूनियन बी के साथ निकालिए या बी का यूनियन ए के साथ निकालिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में हम ब्रैकेट लगा देते हैं, बट बिकॉज बोर्ड मास रूल, जैसे हमने सीखा है लोअर क्लासेस में कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग चाहे आप पहले ए यूनियन बी की ब्रैकेट सॉल्व कीजिए या पहले बी ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट से कि आप ए यूनियन बी निकालिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन सी के साथ लीजिए. इन द सेकेंड ब्रैकेट पहले आप बी यूनियन सी निकालिए, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा उसका यूनियन ए के साथ लीजिए, दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा. दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू. व्हाट इज फाई? फाई हमने ऑलरेडी किया है. दिस फाई इज अ एम्प्टी सेट. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लोगे तो वापस आपको सेम वही सेट मिलेगा. एम्प्टी सेट का यूनियन आप किसी भी सेट के साथ लेते हैं बेटा, देन द रिजल्ट इज द सेम सेट. नेक्स्ट इज A union A is equals to A. This is called as the idempotent law. कि अगर हम किसी भी सेट का यूनियन उसके खुद के साथ लेते हैं, then the result is the A only. Next is the intersection of two sets. Let A and B are the two sets, then A intersection B is defined as set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. इंटरसेक्शन में बेटा वो एलिमेंट्स आते हैं अब जो ए और बी के बीच में कॉमन है. सेम मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज ए इज द सेट 1, 2, 4, 5 एंड बी इज द सेट 4, 5, 7. तो इन दो सेट्स ए एंड बी के बीच में क्या कॉमन है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? दीज एलिमेंट्स आर 4, 5. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4, 5. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ये भी सेम वैसे ही हैं. फर्स्ट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड इज द एसोसिएटिव लॉ. ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे पहले ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालिए या पहले बी एंड सी का इंटरसेक्शन निकालिए, रिजल्ट विल बी सेम. थर्ड इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. अगर फाई हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट है और अगर आप उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले रहे हैं, देन ए इंटरसेक्शन फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाई. मतलब अगर एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप किसी भी सेट के साथ लेते हैं, कैसा भी सेट हो, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज अ एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन का मतलब होता है छोटा,
ठीक है, आपको कॉमन लेना है। तो 5 इज अ एम्प्टी सेट, वो सबसे छोटा सेट होता है। तो जब आप उसका इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लोगे, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, इट इज द आइडेंपोटेंट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज द वेन डायग्राम ऑन ऑपरेशंस ऑफ टू सेट। व्हाट इज द वेन डायग्राम? जब हम किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो करते हैं, देन दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम। देखिए, इसमें मैंने सेट लिया है, लेट ए इज द सेट 1 2 3 4 एंड बी इज द सेट 3 4 5 6। ए इज द सेट 1 2 3 4, बी इज द सेट 3 4 5 6। फर्स्ट इज द डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। इस ए यूनियन बी में बेटा हमारे पास वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में है या बी में है। तो ये जब पूरा कंप्लीट हमने ब्लू कलर कर दिया, देन दिस होल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होता है कॉमन। तो 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6 के बीच में बेटा क्या कॉमन है? मीन 3 4 इज कॉमन। सो दिस ब्लू पोर्शन फॉर ए इंटरसेक्शन बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टुडे यू विल डू दिस वर्कशीट। दिस 4 सेट्स आर गिवन। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के बीच में कॉमन। तो 7 एंड 9 एंड 11 आर कॉमन। सेकेंड इज बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी विल बी 7 9 11 13 15 17। नेक्स्ट ब्रैकेट इम्प्लाई करिए हमने। ब्रैकेट का क्या मतलब है बेटा? पहले आप ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर आप बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन। जैसे ए यूनियन डी आएगा 3 5 7 9 11 15 17 एंड बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 7 9 11 13 15। ये दो सेट्स आ गए आपके पास। अब आपने इन दोनों सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। व्हाट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन दीज टू सेट्स? फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। सी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 11 13। फिर उसका आप ए के साथ यूनियन लेंगे 3 5 7 9 11 13। एंड फॉर राइट हैंड साइड, फर्स्ट आप ए यूनियन बी निकालेंगे, देन आप ए यूनियन सी निकालेंगे, देन यू विल फाइंड द इंटरसेक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। सिमिलरली यू विल सॉल्व द फिफ्थ पार्ट। यू विल सॉल्व दिस वर्कशीट टुडे बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट।